दते ना ये ब्यास वाले ने सत्संग किया बड़ा जबरदस्त है। इंग्लैंड जाके सत्संग किया उदो मैं पढ़िए रहा कैश्ट मेरे को आई सी बड़ा जबरदस्त सत्संग है ये 40 मिनटा का पौने घंटे का जान के ये बाबे फरीद की सारी कहानी वो सारी दसी है भी किस तरह बाबा फरीद भगती दे लग्या कि पहले माता जी उन्हां दी नमाज पढ़िया करती सी मसला बछा के ते बाबा फरीद बच्चा ही होंदा सी कि जो ए बैठा होंदा सी कॉलेज पा के सकर ते नमाज मसले ते थले दे दिंदी सी जो नमाज खत्म होंदी ते वह शक्कर दिंदे उस नूं लालच नाल भजन करदा भी खुदा ये नमाज पढ़न दे नाल खुदा शक्कर दिंदा रखदी सी माँ भी बच्चा लालच दे नाल भगती करूगा। इस तरह काफ़ी देर चलता रहा बच्चा लालच के हिसाब में बैठता रहा। एक दिन माता पेक्या घर चली गई पेक्या घर चली गई तो हुण बाबे फरीद ने नमाज पढ़नी सी मसले ते बैठ के ते माता नूं ख्याल आया भी शक्कर तो मैं रखा करती सी हुण उस दे पा दी तो शक्कर भी खुदा ही रखता है अज उहनूं शक्कर नहीं मिल रही क्यों मैं रखती सी ते अज शक्कर ना मिली तो वह विश्वास खत्म हो जूगा भी मेरी माँ ही रखा करती सी। उन्हें खुदा मन करीम अगे बेनती की ए मेरे मालक ए मेरे सतगुर जिमें शक्कर पहले ही मिलया करती सी उस तरह मेरे बेटे को शक्कर अज मिलनी चाहिए है। जो नमाज खत्म करके बाबा फरीद खड़ा होया जो मसला चक्या तो उम जिमें शक्कर उम जिमें पई हूँ उन्होंने तो तसली से भी हाँ खुदा मन खुदा ही रखता तो रखती सी माता। तो ये कहानी बाबा जी वो मैं कैश दे सुनी सी है जी। तो देखो जिन्या भी माता हुई जितने भी फकीर बने ये माता की भगती दे नाल ही बने माता माता की भगती नाल माता के संस्कार नाल माता ने उन्होंने ऐसी शिक्षा दी संत बने। उन्होंने माता ने बई बार बार करवान जाइए लख लख बार करवान जाइए ऐसे माता ने भगतों को जन्म दिता। बाबे फरीद की कहानी ये काफ़ी लंबी चौड़ी कितों तक जाके पहुँचा फिर बाबा फरीद 12 साल घरों निकल गया तपस्या की जिन्हें शरीर से कपड़े पा के गया सब पट गए। एक बारी कहें इतिहास के कहते भी भगती कर रहा सी ते चिड़िया आ के ची 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 कर लग गई उस भगती दे विच खड़न पैंदा सीगा उन्हां दे मूँह चो निकल गया चिड़ियों मर जाओ तो कहिंदे चिड़िया उत्थे ढेरी हो गईआं उत्थे मर गईआं। हुण बाबे फरीद दा बड़ा दिल कोमल सी बच्चा वर्गा भी बल्ले 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 मैं तो बड़ा जुल्म होया बड़ा पसाया हथ बन के बेनती की ऐ मेरे मालक मैं तो बहुत गुनाह हो गया आखे ऐ चिड़िया उड़ जाओ एना आके चिड़िया उड़ गईआं कहिंदे वाह भाई वाह कमाल है मैं रब बन गया के नच पिया उतों चल पिया मेरी भगती पूरी हो गई। तो रस्ते च आ रहा है घर की तरफ तो रस्ते च उन्हें प्यास ने बड़ा सताया है बड़ी प्यास लगी है अगे बीबियां कुएं ते पानी भर रही ने बाबा फरीद बेटिया कह बेटा पानी पिया उन्होंने एक नहीं गल सुनी पानी डोल ले जाती है भरदिया डोलू डोल ले जाती है भरदिया डोल कि बेटा पानी थले डोल ले जाती है फिर पानी तो पला वो कुड़ी कह लगी पिछे होके खड़ जाओ ये चिड़िया नहीं है भी मर जाओ चिड़ियों उड़ जाओ वो तो प्यास वो बुझ गई सी यार लड़की को क्यों पता लग्या कि मैं पति परता मैं गुरु वाली हाँ मैं नुगरी नहीं हाँ बाबे फरीद की तरह क्या कमाल है बड़ी चोट लगी जो 20-30 डोलू डोलते आ जा बाबा पानी पी लै बाबे की प्यास तो पहले ही बुझ गई सी पानी पीता कि बेटा ये गल दस भी पानी तू जमीन ते डोल रही है तो मेरी एक गल नहीं सुनी पानी का डोलन का की मतलब सी कहिंदे बाबा मेरी भैन का घर 50 को दूर है इतों मेरी भैन के घर अग लगी हुई है मैं मेरे मालक न अखा मीच के सरूप धार के हाजर नाजर समझ के पानी डोल रही हाँ तो मेरी भैन के घर की अग बुझा रही हाँ कि तेरा पानी ऐने दूर जाता है कि मैं बाबे फरीद वांगू नुगरी नहीं हाँ
मैं गुरु वाली हाँ पतिवरता, तेरा गुरु कित्थे है? मेरा गुरु अजमेर च रहिंदा चिश्ती महाराज है जी। तो इस करके बई बाबे फरीद की बड़ी उच्च कोटि की कहानी, बड़े प्यार दे बचन मैनेजर साहब की मेरे नाल, फिर भगती की चला च बाबा फरीद अगे निकलिया सीगा है जी। हाँ जी राय राम जी।